हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रेवल्स। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं जो वीज़े की इंफॉर्मेशन है और वीज़े की न्यूज़ है और एंट्री की न्यूज़ है, वो सबसे पहले हम आप लोगों के साथ शेयर करें। सो आज जो मैं न्यूज़ आपको देने वाला हूँ वो सऊदी अरेबिया के बारे में है कि सऊदी अरेबिया ने ई वीज़ा दोबारा खोल दिया है और उसकी मैं पूरी तफसील आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी कंट्री ई वीज़े के लिए एलिजिबल है, क्या पाकिस्तान भी उन कंट्रियों में शामिल है, क्या पाकिस्तानी भी ई वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो गाइस, बात करेंगे ई वीज़े के लिए। ई वीज़ा जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और उसके लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ई वीज़े की पूरी तफसील बताऊंगा कि किस तरह आप कंप्यूटर में ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बस लिस्ट बताने वाला हूँ कौन कौन सी कंट्री एलिजिबल है ई वीज़े के लिए। तो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है तो मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्री हैं। ये 47 कंट्री हैं और ये ई वीज़े के लिए एलिजिबल है और इनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, ठीक है, ना पाकिस्तान का नाम है, ना इंडिया का नाम है, ना बांग्लादेश का नाम है, ठीक है। इनमें जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रुनाई, बल्गेरिया, कनाडा, साइप्रस, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, जापान, इटली, कराग्स्तान, साउथ कोरिया, लतीविया, मलेशिया, माल्टा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये 47 कंट्री हैं जिसमें जिनको ई वीज़ा सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और ये ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करके सऊदीया के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। सो होपफुली कि पाकिस्तान का भी नाम इस लिस्ट में आ जाए और पाकिस्तानी भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसी तरह और न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा। सो आज की वीडियो में बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।